मोहम्मद नईम दिल्ली में भैया केजरीवाल ही आएंगे, सब अच्छा काम किया उन्होंने, बाकी कोई सरकार हमारे पसंद नहीं है। केजरीवाल केजरीवाल क्या काम, केजरीवाल ने पानी फ्री, लैट फ्री, और पानी दिया, नाले का पानी पी रहे हैं, ये नाले का पानी, और कुछ दिनों बाद भी घरवाली फ्री कर देगा। क्या कह रहे हैं, वाली फ्री कर देगा, घरवाली फ्री कर देगा। वहाँ पर स्वाति मालीवाल की तो मारपीट हुई है, ऐसा एक आरोप लगाया है स्वाति मालीवाल के द्वारा आम जनता की। मैं आप पे भी लगा सकता हूँ, किसी पे भी लगा सकता हूँ, सब झूठी बात है। एक मिनट जी, अगर झूठी बात है ना सर, बुरा मानना मेरी बात का, मेरी वाइफ जाती है और अगर वो मारते हैं, क्या झूठी बात, वो प्रूफ दे रही है ना, उसने कैसेट निकाल कर देख लिया। आप अभी न्यूज देखो, इतना टाइम जो बीच में लगा है, किस वजह से बीच में लगा है टाइम, कॉल तो उसने पहले ही कर लिया था, मारपीट हुई कॉल तो कर लिया था, लेकिन पुलिस क्या कर रही थी उतना टाइम। अब रुझान पे आई ना, जब इलेक्शन का टाइम आ गया, आप रुझान पे आइए ना बात। आपके जब इनसे पूछा गया आप स्वाति मालीवाल पे क्या कहेंगे, जो बहुत बोलते थे कि मैं तो महिला सशक्तिकरण पे ध्यान देता हूँ काफी, उन्होंने माइक साइड में कर दिया, माइक साइड में कर दिया। अब क्या बोलेंगे इस पे, भी हम ये तो इस पे तो कुछ बोल सकते थे या इस पे भी नहीं बोलेंगे, वैसे तो बहुत बोलते हैं हम। क्यों खामोश है, अगर इन्होंने गलत किया है, अभी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, अगर मेडिकल रिपोर्ट आएगी उस पर भी चुप रहेंगे। कि जब हर तरह से तैयार हो तो विभव को तुम बचा क्यों रहे हो, जब उसके अगेंस्ट FIR दर्ज हो गई और दर्ज होने के बाद तुम जा रहे हो प्रचार करने, एयरपोर्ट में जब फोटो खींचा जा रहा है तो मुंह छुपा के भाग रहा है। क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को या मुखिया को ये नहीं कहना चाहिए कि अगर इस तरीके की कोई घटना हुई है तो क्या मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है यार, क्यों नहीं आ रहे केजरीवाल? नहीं मेरी सुनो, मैं बताऊं, अगर आप, आपके हिसाब से कारण क्या है, आपने आप सबसे हेलो हेलो मेरी सुनो, क्या कारण है कि मेरी सुनो, केजरीवाल को जेल में डाला, उसने पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम किया है, दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम किया उसने। अरे भाई साहब, कोरोना वायरस के बाद में है ना गरीब आदमी मारा जाता है, अगर इसलिए ये जो मामला है, ये तमाम चीजें की गई हैं, इसलिए इस मामले को गंभीरता से ना लिया जाए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नहीं लिया जाए बिल्कुल, ये सब दिल्ली की जनता के लिए काम किए हैं, फ्री का बाटा है, इसलिए कह रहे हैं कि इस जो मसला हुआ है इसको गंभीरता से ना लिया जाए। सर बिल्कुल फ्री की लाइट बांटी है मजदूरों को, गरीब आदमियों को कुछ भी नहीं दिया, मिडिल क्लास को क्या दिया, मर तो मिडिल क्लास दे रहा है या अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में जो घटना घटी हुई है मुख्यमंत्री आवास के अंदर, आपको लगता है कि ये सब काम किए हैं, फ्री का बांटा हुआ है, इसलिए इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया जाए? सर ने कहा कि इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, जो स्वाति मालीवाल पर मारपीट हुई बहुत गलत करा है उसने, लेडीज के साथ, अगर इनके घर मेरी घरवाली के साथ होता, एक मिनट, मैं अगर मेरी घरवाली के साथ होता तो क्या करता मैं, अगर इनकी वाइफ के साथ होता क्या होता, भारती जी खुद आम आदमी पार्टी के लीडर है, अपनी पत्नी को पीट, अगर आपकी इनकी वाइफ के, अगर मेरी वाइफ के साथ होता तो क्यों नहीं गलत होता, अगर इनकी वाइफ के साथ होता क्यों नहीं होता, बताओ क्या करा उसने, क्या करा उसने, एक 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 मिनट, अगर विस्की का घोटाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इतना ताकत होती तो छुटकर क्यों नहीं आते सारे बार, कुछ ना कुछ घोटाला तो है ही ना, षड्यंत्र है, षड्यंत्र कैसे नहीं है, कैसे षड्यंत्र है, अगर होता मैं, अगर ये करता मैं, अगर सीट पे होता, अगर मैंने घोटाला करा होता तो मैं तो फंसता ही ना अंदर, अगर नहीं होता तो मैं निकल कैसे पाता। हाँ ये बात है, यहाँ तो ये आज से क्यों नहीं निकल पाया, ये क्यों नहीं निकल पा रहा, इसका मतलब षड्यंत्र है ना, तब षड्यंत्र है ना, कुछ ना कुछ घोटाला है, कुछ ना कुछ घोटाला है ना, मैं अगर अरविंद केजरीवाल मनोज सिसोदिया के बदले होता, अगर मैंने घोटाला करा होता, अगर मैंने घोटाला करा होता तो मैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं निकलता, और मेरे को अगर केस डिसमिस होता, कुछ ना कुछ घोटाला है ना, तभी तो हो रहा है। स्वाति मालीवाल वाले केस में कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई है, केजरीवाल खुद एक घंटे से टीवी देख कर आ रहा हूँ, वरना तो अगर बीजेपी ने कुछ करा होता तो एकदम ये लड़ पड़ते, अब तो कुछ बोल ही नहीं रही है, अगर बीजेपी की लड़की के साथ हुआ होता ये कहते हैं हाँ देखो इन्होंने करा, अभी तक अपने इनके क्यों नहीं स्टैंड किसी चीज पे, दिस इज रॉन्ग, क्या काम कर रहा है, एक बात बताओ ये क्या कर रहा है, पूरी रेडियां लगवा दी इसने, इसने यहाँ से लेकर इसको बना तो दिया, क्या कुछ है इधर, क्या स्वागत है, सारी रिक्शा वैसी हैं, इससे अच्छा ना बनाता, इतना पैसा क्यों करोड़ों रुपए खर्च करवा दिया। क्या सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद तस्लीम। कहाँ से सर? दिल्ली से। दिल्ली से है। जी सर, दिल्ली की सियासत की अगर हम बात करें तो काफी माहौल गरमाया हुआ है, अरविंद केजरीवाल के जो आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ पर स्वाति मालीवाल की तो मारपीट हुई है, ऐसा एक आरोप लगाया है स्वाति मालीवाल के द्वारा आम जनता की। मैं आप पे भी लगा सकता हूँ, किसी पे भी लगा सकता हूँ, सब झूठी बात है। एक मिनट जी, अगर झूठी बात है ना सर, बुरा मानना मेरी बात का, मेरी वाइफ जाती है और अगर वो मारते हैं, क्या झूठी बात, वो प्रूफ दे रही है ना, उसने कैसेट निकाल कर देख लिया। आप अभी न्यूज देखो, इतना टाइम जो बीच में लगा है, किस वजह से बीच में लगा है टाइम, कॉल तो उसने पहले ही कर लिया था, मारपीट हुई कॉल तो कर लिया था,
लेकिन पुलिस क्या करे इतना टाइम, अब रुझान पे आई ना जब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब रुझान पे आइए ना बात। मेन बात तो यही है, क्या है ये इनको जो है ना किसी तरह से फिर दोबारा ठोकना है। किसको? जी इसको, केजरीवाल को, इसको बदनाम, किसी तरह से इसको बदनाम करना है। मैं दो को तो जा ही रहे, और कुछ नहीं है, दो को तो जा ही रहे। अरे मैं कहता हूँ जा ही रहे हैं, वो तो जा ही रहे हैं, और ज्यादा बदनाम करना है ताकि बदनाम करने की अगर अगर केजरीवाल सर क्या शुभ नाम दिल्ली में जो है क्या शुभ नाम मोहम्मद नईम दिल्ली में भैया केजरीवाल आएंगे सब अच्छा काम किया उन्होंने, बाकी कोई सरकार हमारे पसंद नहीं है। केजरीवाल केजरीवाल क्या काम, केजरीवाल ने पानी फ्री, लैंड फ्री, और ना पानी दिया, नाले का पानी पी रहे ये नाले का पानी, और कुछ दिनों के बाद भी घरवाली फ्री कर देगा। क्या कह रहे, पानी फ्री कर देगा, घरवाली फ्री कर देगा भैया, घरवाली मिलो तुम, केजरीवाल बहुत तेज है। घरवाली वाली स्कीम जो है ये थोड़ा कांग्रेस में पहुंचाइए महाराज, राहुल गांधी की अरे पहुंचने तो जहाँ पहुंच रही, केजरीवाल बहुत बढ़िया, कहीं पहुंचाओ केजरीवाल। अच्छा एक बात बताइए, ये केजरीवाल जो है आप कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल घरवाली फ्री दे देगा और राहुल गांधी उधर घरवाली को 1,00,000 रुपए दे देगा, तो मामला तो सेट। राहुल गांधी भी अपने जुगाड़ में लगा हुआ है सेट, तभी तो हम चाह रहे हैं केजरीवाल, वोट फॉर केजरीवाल, ओनली फॉर केजरीवाल। दिखाता हूँ ये न्यूज पढ़िए, आप मिनिस्टर सोमनाथ भारती यूज्ड टू बीट वाइफ, अगर वो अपनी पत्नी को भी मार रहे हैं तो इसमें हम केजरीवाल को फंसा रहे हैं, सोमनाथ भारती को पे आरोप है कि अपनी पत्नी को भी जब मुख्यमंत्री आवास केंद्र की घटना होती है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या मुख्यमंत्री को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्या मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री आवास केंद्र घटना हुई है जहां मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, उनके परमिशन के बिना वहां पर मक्खी भी नहीं बिन बिना पाएगी। वहां पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट होती है, वो कह रही है कि मैं पीरियड से हूं, मेरे पेट में लात मत मारो, दर्द हो रहा है, छींक रही है, और वहाँ मुख्यमंत्री खामोश है। उनकी पत्नी सुनीता जी वो बार बार कहती थी, हाँ आपके जब इनसे पूछा गया आप स्वाति मालीवाल पे क्या कहेंगे, जो बहुत बोलते थे कि मैं तो महिला सशक्तिकरण पे ध्यान देता हूँ काफी, उन्होंने माइक साइड में कर दिया, माइक साइड में कर दिया, अब क्या बोलेंगे इस पे, इस पे भी हम ये तो इस पे तो कुछ बोल सकते थे या इस पे भी नहीं बोलेंगे, वैसे तो बहुत बोलते हैं हम, क्यों खामोश है, अगर इन्होंने गलत किया है अभी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, अगर मेडिकल रिपोर्ट आएगी उस पर भी चुप रहेंगे। दिल्ली में बांटले सीसीटीवी कैमरा दावे करते हैं अपने मुख्यमंत्री आवास का सीसीटीवी कैमरा भी, भाई साहब मैं लिख के दे सकता हूँ, सीसीटीवी कैमरे बस ऐसे लगा रखे हैं, चलते वलते कुछ नहीं है, वाईफाई भी लगा रखे इन्होंने, मैं चांदनी चौक में रहता हूँ, मेरे घर के पास में लगा हुआ वाईफाई, मैं चलता हूँ, मैंने आज तक देखा ही नहीं। क्या कारण है, चीख चीख के कह रही है कि मारपीट हुई है मेरे। एक सेकेंड ये क्या दिखा रहे, थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा ब्रीफ में, इतना समय बहुत अच्छी चीज दिखा रहे हैं, रोक जाए बस। सुन लीजिए, कोई अच्छी बात नहीं है, अगर हमारे देश की राजधानी सबसे सुरक्षित होगी महिलाओं के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं एलजी साहब से और केंद्र सरकार से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि जो भी उचित कदम उठाने के और हमसे जो भी मदद चाहिए हम करेंगे, हम उसमें पूरा हो गया। क्या है अब ये देखिए, इनके साथ भी विभव कुमार संजय सिंह घटना के बाद लखनऊ में हाँ मैं वही कह रहा था, क्या बयान दे रहे हैं ये 27 ये सितंबर 2022 का बयान है केजरीवाल जी का, सितंबर 2022 का बयान है कि आज दिल्ली में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, मतलब पूरे भारत देश में जो दिल्ली है उसमें सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, और इसके लिए मैं केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी से और राज्यपाल जी से आग्रह करता हूं कि कोई इसके लिए ठोस कदम उठाएं, और मेरे लायक जो भी मदद होगी हमारे तरफ से तैयार हैं, काहे नहीं थोप दे तो विभव को पुलिस के हवाले, मुख्यमंत्री आवास के अंदर महाराज वहीं पर। वही मैंने कहा ना कि जब हर तरह से तैयार हो तो विभव को तुम बचा क्यों रहे हो, जब उसके अगेंस्ट FIR दर्ज हो गई और दर्ज होने के बाद तुम जा रहे हो प्रचार करने, एयरपोर्ट में जब फोटो खींचा जा रहा है तो मुंह छुपा के भाग रहा है, वो आ गया था, उसके बाद जब वहां जा गया तो ये गाड़ी में बैठा है और ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और गाड़ी को पूरा बाउंड्री वॉल बना दिया ये लोग, इनके कार्यकर्ता जब मीडिया वाले जा करके सवाल पूछना चाह रहे हैं तो उनसे बसलूकी कर रहे हैं, और वहीं पे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जो है क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं मीडिया पत्रकार महोदय पत्रकारों ने सवाल पूछा कि अब तक आपने कुछ नहीं बोला स्वाति मालीवाल के संबंध में, घटना के संबंध में कुछ बोलिए, तो माइक अखिलेश यादव की तरफ कर रहे हैं, और फिर जब पत्रकार महोदय पूछना शुरू किए तो संजय की तरफ सूख रहे हैं, और संजय फिर दूसरा रागल अपना शुरू कर दिया। नेताजी का है चुप है,
बार बार महिलाओं की दुहाई देती रही थी, आज जब उनके आवास में सब घटनाक्रम हो रहा है वो काहे चुप्पी साधे हुए है? राबड़ी देवी बनी हुई थी भाई दिल्ली की। एक मिनट में कंक्लूजन बता देता हूँ। 12 तारीख को जब ये जेल से छूट के आए, उसके बाद क्या कहते हैं कि दूसरे दिन ये गए हनुमान जी का मंदिर, कनॉट प्लेस में गए मत्था टेकने, सब पत्नी दर्शन किए। 12 तारीख के शाम को हमारा एक चैनल पे इंटरव्यू हुआ था, आप जैसे ही पत्रकार एक पत्रकार महोदय थे, महोदय ने हमारा इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि जो है केजरीवाल जी आज मतलब अंतरिम जमानत के तहत जो है जेल से निकलने के बाद मंदिर गए, हनुमान जी का दर्शन किए, क्या कहना है? तो एक लाइन बन गई उसी समय अचानक कि हिंदू होते हुए भी नवरात्रि में खा रहे थे जो अंडा, आज फटी तो पकड़ लिए हनुमान जी का झंडा, मैंने कहा कि हनुमान जी ने कहा कि बाबू जब हमारे आराध्य हमारे प्रभु श्री राम जी, जिनके लिए हमने अपना पूरा जीवन पूरा जन्मों जन्मांतर न्योछावर कर दिया हूँ, और उनके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या में, तुम नहीं गए तो हमारा भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ नहीं।